हेलो नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल के आल ब्लॉग में। आज संडे है दोस्तों और मैं जल्दी उठ चुका हूँ। दोस्तों अभी टाइम हुआ है, कितना टाइम हुआ है, टाइम हुआ है 9:27, दिख नहीं रहा होगा आपको, इसमें रेड है। टाइम हुआ है, अरे यार दोस्तों, टाइम हुआ है 9:27 और मुझे भूख लग गई है दोस्तों काफ़ी, और मैंने अभी नहा भी लिया है और तैयार भी हो गया हूँ क्योंकि अब मुझे नाश्ता बनाने जाना है। मेरी मैडम बना रही है, चलो थोड़ी हेल्प करा देता हूँ। और वैसे नाश्ता मैं बनाना चाहता हूँ लेकिन यार बना नहीं पाता हूँ क्योंकि नाश्ता कभी भी मैंने बनाया पकौड़ी वकौड़ी तो वो जल जाती हैं दोस्तों, इस वजह से मैं नहीं बनाता हूँ। लेकिन अब वो तैयार है चुटकी में, ये आया पकौड़ी, यस, क्योंकि मेरी फेवरेट पकौड़ी है, फेवरेट डिश। मुझे संडे को सिर्फ पकौड़ी चाहिए, बकाया दिन ना बने कोई बात नहीं लेकिन संडे को तो पकौड़ी चाहिए तो चाहिए। ब्रेड और मेरा दूध, दूध लाओ। दोस्तों पकौड़ी मस्त है लेकिन दोस्तों चटनी नहीं बनाई मैंने। एक गिलास दूध पीता हूँ बस सुबह और शाम को, और पकौड़ी खाते हैं। दोस्तों मैंने आप लोगों को अगली वीडियो में बताया था कि पिछले हफ्ते मेरा ट्रेनिंग था, रेलवे में जो ट्रेनिंग होती है वो ट्रेनिंग थी। वो चलो दोस्तों तो आप लोगों को दिखा देते हैं कि क्या क्या हमने ट्रेनिंग में सीखा। दोस्तों हम BTC पहुंच चुके हैं, आज हम ट्रेन ब्रेक सिस्टम के बारे में जानेंगे, तो बने रहिए ब्लॉग के साथ। इस वीडियो के माध्यम से हम ये आपको बताना चाहेंगे कि ट्रेन्स में ब्रेक कैसे लगता है, क्या क्या परिस्थिति है जब ट्रेन्स में ब्रेक लग जाएगा, क्या क्या परिस्थिति है जब ट्रेन में ब्रेक हट जाएगा, कौन कौन से पार्ट्स ब्रेक सिस्टम्स में अहम रोल अदा करते हैं ब्रेक लगाने के लिए, कौन कौन से पार्ट्स अहम रोल अदा करते हैं ब्रेक रिलीज करने के लिए, वो सारी जानकारी आपको देने के लिए ये वीडियोस बनाया गया है। और यदि आप हमारे चैनल के लिए नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा, जिससे आने वाली सारी वीडियो अपडेट्स आपको सबसे पहले मिलती रहें। तो आइए हम बताते हैं ट्विन पाइप एयर ब्रेक सिस्टम्स के बारे में, जो इंडियन रेलवेज की ट्रेन्स में सिस्टम अपनाया गया है। ट्विन पाइप एयर ब्रेक सिस्टम्स का ये मतलब है उसमें दो पाइप रहते हैं, इस तरह के दो पाइप हर कोच में दोनों साइड लगे रहते हैं। एक का नाम फीड पाइप प्रेशर है जिसमें 6 kg/cm² पर ब्रेक प्रेशर रहता है, ये वाइट कलर का रहता है। दूसरा पाइप ब्रेक पाइप प्रेशर, इसमें 5 kg/cm² पर ब्रेक पाइप रहता है प्रेशर, और ये ग्रीन कलर का रहता है। प्रत्येक कोच में दोनों साइड दो पाइप लटके रहते हैं। ये एक रिजर्वेयर्स है जिसमें 200 लीटर हवा 6 kg/cm² पर रखी जाती है। जब ब्रेक लगाने की आवश्यकता होगी तो ये टंकी से हवा ब्रेक सिलेंडर में सप्लाई होगी। प्रत्येक कोच में एक रिजर्वेयर्स लगा रहता है। किसी भी ब्रेक सिस्टम को समझने के लिए आप उसको तीन पार्ट में समझिए। पहला पार्ट इनपुट, इनपुट से मतलब है कि जब कोई ब्रेक लगाना चाहता है, या तो कोई लीवर घुमाएगा, या कोई हैंडल्स घुमाएगा, या कोई पैडल दबाएगा, या कोई पुश बटन दबाएगा, इस तरह का कोई काम करेगा जब वो ब्रेक लगाना चाहता है, तो ये सारी चीज़ें इनपुट्स में मानिए। फाइनल समझिए पहला आउटपुट, आउटपुट में जो घूमता हुआ पहिया है उसमें कोई चीज़ रब करेगी जिससे पहिया चलता हुआ रुकेगा। मान लीजिए ये मेरा व्हील्स है तो ये ब्रेक ब्लॉक्स है, ये इसमें आगे पीछे चलेगा और इस पर फोर्स लगाएगा। जब इस पर फोर्स लगाएगा तो घूमता हुआ पहिया रुक जाएगा, ये आउटपुट होगा। इनपुट में हमने कोई काम किया, आउटपुट में घूमते हुए पहिए पे ब्रेक ब्लॉक लगा, उसने फ्रिक्शन लगा,
फोर्स लगाया, ट्रैक्शन कंट्रोल पर पहिया घूमना रुक गया। अब बीच का पार्ट ये है प्रोसेसिंग सिस्टम्स, यानी जो हमने इनपुट किया है यदि वो सारा मैकेनिकल लिंकेज कनेक्ट होके इस ब्रेक ब्लॉक को आगे पीछे करता है, जैसे साइकिल में होता है। साइकिल में हम लीवर दबाते हैं तो बहुत सारी लिंकेज कनेक्ट होके अब ब्रेक स्क्रू को पहिए पर प्रेशर डालती है तो पहिया रुकता है, तो वो कहलाता है मैकेनिकल ब्रेक सिस्टम। उसमें इनपुट भी है, आउटपुट सेम रहेगा, प्रोसेसिंग मैकेनिकल ब्रेक सिस्टम का है। एक हो सकता है कि हमने इनपुट दिया और फिर कंप्रेस्ड एयर इस सिस्टम में फ्लो करी, एयर फ्लो करी प्रेशर पे, फाइनल में ये ब्रेक ब्लॉक ही अड़ेगा। लेकिन प्रोसेसिंग के पार्ट में हमने कंप्रेस्ड एयर इस्तेमाल की है, वो एयर ब्रेक सिस्टम कहलाता है। यदि हम प्रोसेसिंग सिस्टम में प्रेशर पर कोई ऑयल इस्तेमाल करते हैं कि हमने इनपुट किया, कोई लीवर दबाया, प्रेशर पर ऑयल मूव किया और ये ब्रेक ब्लॉक आगे पीछे मूव होकर ब्रेक लग गया, आउटपुट सेम रहेगा, तो वो होगा हाइड्रोलिक ब्रेक सिस्टम। तो हमको ट्रेस में बताना है एयर ब्रेक सिस्टम्स, अब वो है ट्विन पाइप एयर ब्रेक सिस्टम। इनपुट सिस्टम में ड्राइवर ब्रेक लगा सकता है, सबसे पहले ड्राइवर ब्रेक लगा सकता है, किसी इमरजेंसी में असिस्टेंट ड्राइवर भी ब्रेक लगा सकता है क्योंकि लीवर को मूवमेंट करते हैं, गार्ड भी ब्रेक लगा सकता है, पैसेंजर्स भी ब्रेक लगा सकते हैं, जब चैन पुलिंग करेंगे तो पैसेंजर भी ब्रेक लगा सकते हैं, या किसी दुर्घटना के कारण ट्रेन के दो हिस्से हो गए हैं तो भी ब्रेक लग जाएगा। आउटपुट सिस्टम में ब्रेक ब्लॉक ही व्हील्स पर लगेगा और प्रोसेसिंग सिस्टम में कंप्रेस्ड एयर सारा सिस्टम्स में मूव करती है। अब वो मूव कैसे करती है, क्या करती है सिस्टम्स में, कौन कौन से पार्ट लगे होते हैं जो ब्रेक्स लगता है, वो सारा इस सिस्टम में बताया जाएगा। बीपी प्रेशर कम होगा, जब बीपी प्रेशर कम हो जाएगा तो ब्रेक लग जाएगा और जब बीपी प्रेशर वापस मेंटेन हो जाएगा तो ब्रेक रिलीज हो जाएगा। अब जब ड्राइवर्स को ब्रेक लगाना होता है वो ये लीवर नीचे की तरफ खींच देता है, यानी कि कुछ प्रेशर हवा में निकाल देता है, यानी बीपी का प्रेशर कम हो गया है तो ब्रेक लग जाएगा। जब ड्राइवर्स को ब्रेक रिलीज करना होता है तो वापस ये हैंडल्स वापस मूव कर देगा, थोड़ी देर में ब्रेक पाइप प्रेशर वापस 5 kg मेंटेन हो जाएगा तो ब्रेक रिलीज हो जाएगा। ड्राइवर्स बीपी को कम कर सकता है, गार्ड रूम में भी एक वाल्व लगा रहता है, गार्ड भी बीपी का प्रेशर डाउन कर सकता है और वो भी ब्रेक लगा सकता है। प्रत्येक कोच में पैसेंजर्स को कोई भी परेशानी होने पर एक अलार्म चैन लगा होता है, जब पैसेंजर इस चैन को खींचता है, जब इसके अंदर खींच देता है तो बीपी प्रेशर डाउन हो जाता है और ब्रेक एप्लीकेशन लग जाता है। इसको रीसेट करने के लिए कोच के पीछे रीसेट हैंडल लगा रहता है, जब इसको नीचे खींच देते हैं तो वापस लीवर सीधा हो जाता है, जिससे ये पता चल जाएगा कि अपने ब्रेक रिलीज हो गया है, चैन पुलिंग को रीसेट कर दिया गया है। हमने बीपी डाउन कर दिया, ब्रेक सिलेंडर में प्रेशर आ गया और ब्रेक लग गया, तो ये सब कौन करता है कोच में, आखिर कैसे पता चलता है, कोच में क्या डिवाइस लगी रहती है जिससे ये पता चलता है कि बीपी डाउन हो गया है और ब्रेक सिलेंडर्स में हवा सप्लाई भेजना है, और जब ब्रेक रिलीज करते हैं तो बीपी वापस 5 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर पर मेंटेन हो गया है और ब्रेक सिलेंडर में जो हमने हवा भेजी थी उसको बाहर निकाल देना है और ब्रेक रिलीज कर देना है। तो उस बीच के पार्ट का सारा सिस्टम्स डिस्ट्रीब्यूटर वाल्व्स रहता है। प्रत्येक कोच में सारा प्रोसेसिंग करने के लिए एक डिस्ट्रीब्यूटर वाल्व लगा रहता है, ये डिस्ट्रीब्यूटर वाल्व लगा है।
इसमें तीन कनेक्शंस रहते हैं। एक कनेक्शंस बीपी का, ब्रेक पाइप प्रेशर का कनेक्शंस लगा रहता है, और दूसरी साइड एक वाइट कलर का जो पाइप है फीड पाइप प्रेशर का कनेक्शंस लगा रहता है, और तीसरा कनेक्शंस नीचे जो ब्रेक सिलेंडर्स को हवा सप्लाई करेगा वो कनेक्शंस लगा रहता है। सारे ब्रेक सिस्टम्स का जो सेंट्रल मेन पार्ट है वो डिस्ट्रीब्यूटर वाल्व्स है। किसी भी कंडीशंस में यदि बीपी का प्रेशर डाउन होता है तो ये वाल्व्स ये सेंस करेगा कि बीपी का प्रेशर कम हो गया है, तो ये वाल्व्स फीड पाइप का प्रेशर यानी इस वाले पाइप का प्रेशर इस वाले पाइप में भेजना शुरू कर देगा, और ब्रेक सिलेंडर में हवा जाने के बाद ब्रेक लग जाएगा। जब ये वाल्व्स ड्राइवर ब्रेक रिलीज कर देता है, जब बीपी प्रेशर वापस 5 kg/cm² पर हो जाता है, तो ये वाल्व ये सेंस करता है कि बीपी प्रेशर वापस 5 kg/cm आ गया है, तो ये वाल्व फीड पाइप की जो सप्लाई ब्रेक सिलेंडर्स में भेजा था जिससे ब्रेक लगा था वो प्रेशर भेजना बंद कर देता है, और जो प्रेशर भेज चुका है उसको वापस एटमॉस्फेयर में यानी हवा में निकाल देता है। ब्रेक सिलेंडर्स में प्रेशर जीरो हो जाता है, उसका पिस्टन वापस मूव कर जाता है और ब्रेक रिलीज हो जाते हैं। ये ब्रेक सिलेंडर्स है, जब इसमें पीछे से हवा की सप्लाई भेजी जाएगी ये पिस्टन बाहर निकलेगा। इसके बाहर निकलने से ये लीवर्स मोमेंट लेंगे, और ये लीवर मोमेंट लेने से दोनों तरफ और ये ब्रेक ब्लॉक इस व्हील पर लगेगा, तो ट्रेन रुक जाएगी। जब इसमें हवा का प्रेशर देना बंद कर दिया जाएगा पिस्टन वापस मूवमेंट ले लेगा और ये लीवर पीछे मूव कर जाएगा, तो ब्रेक रिलीज हो जाएगा यानी कि ब्रेक ब्लॉक चक्के से दूर हट जाएगा। ये ब्रेक सिलेंडर का गेज लगा हुआ है, जब ब्रेक सिलेंडर में देखो बीपी गिराया गया है, बीपी का प्रेशर कम किया गया है, गेज में प्रेशर आ गया है, मैक्सिमम प्रेशर 3.8 kg/cm² आता है तो ब्रेक लग जाता है। विंड पाइप एयर ब्रेक सिस्टम का ये वीडियो आपने पूरा देखा है, ट्रेन्स में ब्रेक कैसे कैसे लगते हैं इसके बारे में मुझे पूरी आशा है आपका सारा कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा और आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। फिर भी आपको कोई डाउट है तो हमें कमेंट करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा। दोस्तों मैंने पकौड़ी खा ली, अब थोड़ा दूध बचा है वो पी लेते हैं, और अब हमें फ्रेंड के घर जाना है आम तोड़ने, क्योंकि हमें अचार डालना है, और चलो तो आप लोगों को ले चलेंगे वहीं पे और आप लोगों को दिखाएंगे कैसे पेड़ में चढ़ते हैं। मैं नहीं चढ़ूंगा दोस्तों, मुझे डर लगता है मेरा फ्रेंड चढ़ेगा। यस।